रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मॉस्को की शीर्ष सुरक्षा मांगों की अनदेखी की है, लेकिन उनका देश यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ वार्ता के लिए अभी भी तैयार है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक फैसले पर हस्ताक्षर किया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदहनम घेब्रेयेसस ने कहा है कि 10 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद से कोविड के 9 करोड़ मामले बढ़ गए हैं। ये मामले 2020 में मिले कोविड के कुल मामलों से भी ज्यादा है। टेड्रोस ने कहा कि कई देशों ने कोरोना पाबंदियों में ढील दे दी है। इसराइल में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नागरिकों की कथित जासूसी के अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। ये सबूत इशारा करते हैं कि पुलिस विभाग के ही कुछ लोगों ने पेगासस का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया। पुलिस ने मंगलवार को खुद ये जानकारी दी है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की पहली बरसी पर मंगलवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। यूएनएससी में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले प्रक्रियागत मतदान में भारत, केन्या और गेवान के अनुपस्थित रहने और चीन को इसके खिलाफ मत देने पर रूस ने धन्यवाद कहा। संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने अमेरिकी दबाव के आगे ना झुकने के लिए चारों देशों को शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज इमरान खान सरकार के झूठ का पुलिंदा निकला। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कश्मीर पर विवाद की दुहाई देते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ कोई युद्ध नहीं चाहता है। पाकिस्तान में चर्च से लौट रहे पादरी की पहले से घात लगाए बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। प्रोटेस्टेंट चर्च के सबसे वरिष्ठ पादरी बिशप आजाद मार्शल ने इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान सरकार से ईसाइयों को न्याय और सुरक्षा देने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले के डेरा अलहायार शहर में रविवार एक खतरनाक ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 17 लोग चोटिल हो गए। विस्फोट के तुरंत बाद सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचे और आनन-फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के काबुल के 2 दिवसीय दौरे का असर देखने को मिल रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दौरे के समापन के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर सहमति बन गई है। चीन में मीडिया की आजादी पर ग्रहण लगाया जा चुका है। चीन में विदेशी संवाददाताओं के क्लब FCC का कहना है कि पत्रकारों के साथ शारीरिक उत्पीड़न, हैकिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग तो हो ही रहा है, उन्हें वीजा दिए जाने से भी इनकार जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जनसांख्यिकी में तेजी से हो रहे बदलाव को थामने के लिए चीन 3 बच्चे पैदा करने वाले दंपतियों को बड़ी सुविधाएं दे रहा है। 2021 में लागू 3 बच्चों को जन्म देने वाली नीति के तहत माता पिता को बेबी बोनस, संवेतन, अवकाश और टैक्स में छूट के साथ अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। चीन और लिथुआनिया के बीच जारी झड़प से यूरोपीय संघ को लगता है कि चीनी सरकार अन्य यूरोपीय देशों के प्रति भी खतरा बन सकती है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ अब चीन के प्रति और सख्त हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ समय से तनाव काफी बढ़ चुका है। इसकी कुछ खास वजहों की बात करें तो इनमें यूक्रेन के कब्जे वाले क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण होना तो है ही, साथ ही इस तनाव की दूसरी वजह नाटो संगठन भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह रही है कि किस तरह से तालिबानी अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के लोगों में दहशत फैल गई थी। आपको बता दें कि तालिबानियों ने अगस्त में देश को अपने अधिकार में ले लिया था। मध्य पूर्व, खासतौर पर यमन में संघर्ष तेज होने की आशंका बढ़ गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार
हाउती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा है कि अबुधाबी की तरफ जुल्फिकार मिसाइल और दुबई की तरफ ड्रोन दागे गए हैं। साथ ही प्रवक्ता ने और हमले की चेतावनी दी है। भिंड जिले के मेगांव बिजली घर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों को दिए जाने वाले मनमाने बिजली बिलों को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में डीई कार्यालय का घेराव हुआ, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पहले ही ताला बंद कर दिया था, जिसे गुस्साए कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में हुई पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब पीकर मृतक के गाली गलौज की थी, जिस पर यह विवाद हुआ था। खरगोन शहर में यातायात व्यवस्था को बाधित कर व्यापार करने वालों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर मुख्य मार्गों से दुकानदारों का सामान जब्त किया। दुकानदार बाहर सामान रखकर व्यापार संचालित कर रहे थे, जिसे लेकर दुकानदारों को समझाइश दी गई, लेकिन सामान हटाने को लेकर वे तैयार नहीं थे। भोपाल में दो दिन की मामूली राहत के बाद मौसम के तेवर फिर से बदल गए हैं। दिन में पारा फिर 1.9 डिग्री लुढ़क कर सामान्य हो गया है। मौसम वैज्ञानिक हुसैन के मुताबिक दिन का तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया है और रात का तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। गाड़ावाड़ा में पुलिस ने फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस ने ट्रेनों में चोरी, लूट और डकैती करने वाले फरार इनामी बदमाश और स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है। कवरगुना से जहां चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कुंभराज में गायत्री मंदिर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया, जिसके बाद तीन गांव में घर घर चलो अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की। खेड़ीआवा गांव में झोरडा में आयोजित भागवत कथा में सम्मिलित होकर सभी ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाटपिपलिया में निराश्रित बच्चों की मदद के लिए डॉक्टर संजय शर्मा ने पहल की। दरअसल इन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। जब डॉक्टर शर्मा को इसके बारे में पता चला तो वह बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने गांव के महिला समूह प्रेम ज्योति संगठन आजीविका मिशन से बच्चों की मदद के लिए चर्चा की है। संगठन की महिलाएं चारों बच्चों को गोद लेने की तैयारी में। खंडवा के पुनासा में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से घर चलो अभियान की शुरुआत हुई। पूर्व विधायक राज नारायण सिंह पुरनी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का विस्तार करते हुए हर बूथ पर 5-5 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना मूल उद्देश्य रहेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना और बीजेपी की गलत नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएगा। खंडवा में पंधाना में कांग्रेस नेत्री छाया मोरे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 14 से घर चलो अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 15 महीने की उपलब्धियों को बताया गया। वहीं भाजपा की 15 साल की सरकार की विफलताओं से अवगत कराया गया। बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई व्यापारी इस बजट को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत को देश के हित में बता रहे हैं। खातेगांव के व्यापारी एसोसिएशन सतीश मित्तल ने बजट को लेकर कहा कि आम जनता के लिए बजट ठीक है, लेकिन व्यापारियों को इस बजट में कुछ खास राहत नहीं मिली। कुरवाई में एम्बुलेंस की मांग को लेकर राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति ने नायब तहसीलदार को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पठारी क्षेत्र में चल रहे अवैध उत्खनन और अवैध शराब बिक्री के साथ साथ कई अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर घर चलो अभियान का शुभारंभ हुआ। मेगांव विधानसभा के खेरिया तौर से डॉक्टर ब्रजेश मौर्य के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं और सरकार की नीति की जानकारी दी गई। नसरुल्लागंज में अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने कड़कड़ाती ठंड में आस्था की डुबकी लगाई। प्रसिद्ध नर्मदा घाट नीलकंठ पहुंचकर श्रद्धालुओं ने स्नान किया और प्राचीन मंदिरों में भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन किए। अन्नदान पूजन अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की सभी ने कामना की। नौगांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। 85 लाख के पिकअप माल सहित इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य चोरों की तलाश में जुटी हुई है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर में भी ये अभियान चला, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता घूम घूम कर पिछले 70 वर्षों की उपलब्धियां जनता को गिनाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमजनों को सदस्यता भी दिलवा रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता जोड़ तोड़ की ताकत भी लगा रहे हैं। पटेरा के बबलीगढ़ धाम मोहास में मौनी अमावस्या के दिन भक्तों की भीड़ नजर आई। अमावस्या के दिन भक्तों ने हनुमान का पूजा अर्चन कर लाभ लिया, साथ ही श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया। सिंगरौली जिले में संजय गांधी रिजर्व टाइगर से बाघ घुस गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम ने जंगल में डेरा डाल दिया। रेंज ऑफिसर ने बताया कि टाइगर के पैरों के निशान मिले हैं और एक बैल का शिकार भी हुआ है। कई गांव में मुनादी करा दी गई। बंदारा SDM आरती सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। SDM ने अपनी गाड़ी से सड़क हादसे का शिकार हुए 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अपनी देखरेख में इलाज कराया। दरअसल सोयाबीन प्लांट के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई थी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुक्शी के ब्लॉक बाग ग्राम अखाड़ा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकें आपस में जा भिड़ी, जिस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। खैरपुर के पाड़ली हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ शिक्षक ने ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप से 2 छात्राओं के मोबाइल नंबर निकालकर दोनों को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे, जिसके बाद छात्राओं ने पूरी घटना परिजन को बताई। परिजन छात्राओं के साथ बेरछा थाने पर पहुंचे और अतिथि शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। दुर्ग में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हनोदा बोरसी मार्ग पर शराब परिवहन करते आरोपी को पकड़ा गया। इसके पास से 2 पेटी शराब मिली और कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर 17 पेटी शराब जब्त की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी वैशाली नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर हॉस्पिटल से नजारत मिले, इसके बाद अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की। जांजगीर चांपा के जेजेपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। 31 जनवरी की सुबह आरोपी ने बाड़ी में काम कर रही महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी दी। आरोपी के कब्जे से छूटने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजन को दी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोंडा गांव में स्थित शासकीय गुंडाधूर महाविद्यालय में परीक्षा के लिए सीमित सीट को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि बस्तर विश्वविद्यालय के निर्णय से परीक्षार्थियों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने सीट बढ़ाने की मांग की। रायगढ़ की नगर निगम की सफाई टीम ने संजय मार्केट सब्जी मंडी की साफ सफाई की। हर दिन हजारों टन सब्जियां बिकने यहां आती है, जिससे मंडी में गंदगी का अंबार लग जाता है, जिसे निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने महीने की हर एक तारीख को सफाई अभियान की शुरुआत कर दी। रायगढ़ के पूर्व विधायक रोशनलाल अग्रवाल की पुण्यतिथि पर भाजपा सहित रायगढ़ वासियों ने उन्हें याद किया। इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा कार्यकर्ता ने शहर में घूम घूम कर लोगों को मास्क वितरित किए। रायगढ़ के सरिया क्षेत्र के परसारामपुर सूरजगढ़ में प्रदेश का सबसे लंबा पुल अप्रोच रोड जर्जर स्थिति में है, जिससे आए दिन रोड की स्थिति को लेकर प्रदर्शन और चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है। पिकअप भारी वाहनों के चलते दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। सरिया थाना प्रभारी कमल किशोर पटेल ने पिकअप में सवार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम छेड़ दी। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पिछले दिनों स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण के लिए विभिन्न वार्डों में लगाए गए डस्टबिन अब बदहाल स्थिति में है। इसे लेकर नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में कुल 134 डस्टबिन की व्यवस्था की गई थी और उन्हें शिकायत मिली है कि कुछ टूट चुके हैं, इन्हें बदला जाएगा। सारंगढ़ में पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल की पुण्यतिथि पर भाजपा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और भारत माता चौक में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क का वितरण भी किया। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद का विरोध किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के सामने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वहीं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जिंदाबाद के भी नारे लगे। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक महोदय संजीवन सुमन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सहित क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के साथ थाना अध्यक्ष और तमाम शाखा प्रभारी मौजूद रहे। सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी ली गई। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और कई तरह के पक्षियों की भरमार है। इसके कारण देश विदेश से लोग इस जंगल में विचरण करने के लिए आते हैं और जीवों का दीदार करते हैं। इस सत्र में पर्यटकों को रोज 2 से 3 बार बंगाल टाइगर का दीदार हो रहा है, जिसका वीडियो भी काफी चर्चा में है। ललितपुर में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 5 साल से फरार 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाश के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। खबर उन्नाव से, जहां के भगवंत नगर से टिकट न मिलने पर अनुराग सिंह उन्नाव कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा। भाजपा ने यूपी सरोजनी नगर से विधायक राज्य मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। स्वाति सिंह योगी सरकार में महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री है। सरोजनी नगर सीट पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह मैदान में हैं। भाजपा ने 17 प्रत्याशियों की सूची घोषित की, जिसमें लखनऊ की सभी 9 सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए।